इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कार्तिक मास में जो 365 बत्ती का जो दिया है वो कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसका क्या महत्व है, कहाँ पे ये दिया जलाना है, किस दिन जलाना है, ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी। तो कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य माना जाता है और कार्तिक के महीने में दीप दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीप दान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और जो 365 बत्ती का दिया है, अगर आप साल भर दिया नहीं जला पा रहे हैं किसी कारणवश, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी के सामने दिया जलाने से विशेष फल की प्राप्त होती है। बहुत से लोग पूरे साल तुलसी माँ के सामने दिया जलाते हैं, जो लोग नहीं जला पाते हैं वो कार्तिक के महीने में तो ज़रूर जलाते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में भी पूरे कार्तिक में नहीं जला पाते हैं तो वो 5 दिन दीपदान ज़रूर करते हैं, या तो वो दीपावली के आसपास दीपदान करते हैं जो 5 दिन का पंच पर्व होता है, या फिर देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के बीच 5 दिन जो दीपदान किया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है। लेकिन किसी कारणवश आप दीपदान नहीं कर पाए, आपका जो दिया नहीं जला पाए, किसी दिन छूट गया, किसी दिन आप भूल गए, या किसी कारणवश बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं जिससे कि हम दिया नहीं जला पाते हैं, तो उस टाइप का कुछ भी है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक दिया बनाएंगे जिसमें 365 बत्ती होंगी, मतलब साल भर का दिया एक दिन जलाकर जो साल भर दिया जलाने का पुण्य है वो आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक चमत्कारी दिया है और इससे कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जलाशय के पास आप जलाएं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप जलाशय के पास नहीं जला पा रहे हैं तो आप तुलसी माँ के समक्ष जलाइए या भगवान विष्णु के सामने आप इसे दिया जला सकते हैं। इस दिए को बनाने बहुत ही आसान तरीका है। पहले जो लोग थे वो बहुत ही कठिन तरीके से 1-2 दिन में या 4-5 घंटे में ये दिया बना पाते थे, वो रूई से धीरे धीरे। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी जिसमें आप 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से 365 बत्ती का दिया बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे दिया बनाएंगे। साथ में एक बात का ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ आप करिए सच्चे मन से करिए, और कार्तिक मास में दीप दान जरूर करिए, दान जरूर करिए। कहते हैं ना दिए का दान करना है प्लस आपको दान दक्षिणा भी करनी है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम बाती बनाएंगे। 2 तरीके मैं बताऊंगी, आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जो पहला तरीका मैं बताने जा रही हूँ उससे फटाफट बन जाती है, दूसरे तरीके में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो दूसरा है, पहले लोग ऐसे ही बनाते थे। ये देखिए मार्केट में इस तरह का कच्चा सूत मिलता है, कच्चा सूत बोल के लेंगे तो मिल जाएगा। ये एक जो पूरा पैकेट है वो 10 रुपये का है, तो कम से कम 2 पैकेट आपको चाहिए 365 बाती बनाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है धागा, इसमें 2 सूत रहते हैं, तो 2 सूत एक बार में लपेटेंगे इस तरह से। देखिए आप या ये कर सकते हैं कि आप 4-4 का प्याज बना ले, एक बार में 8 बन सकता है, तो 2 सूत और 2, तो एक बार में 4 बाती बनेगी। तो इसी तरह 4 की आप काउंटिंग कर सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह से काउंटिंग करते जाएंगे। तो 100-100 का आप बैच बना सकते हैं, 100 बाती का बैच बना लिया, फिर दूसरा आप 100 बाती का बैच बना लीजिए, काउंटिंग में आसानी रहती है, फिर आप 100 बाती का बैच बना लीजिए, और लास्ट वाले में आप 60 बाती और 65 बाती और जोड़ लीजिए। तो इस तरह से बैचेस बन जाएंगे। और ये जो कच्चे सूत की जो बाती बनती है वो बहुत ही महीन बनती है, बहुत पतली बनती है। आप अगर मौली के धागे से, मौली मतलब जो रक्षा सूत्र होता है, कलावा बोलते हैं जिसको, उसमें बनाएंगे तो उसकी बाती भी काफ़ी मोटी बन जाती है। या फिर आप जो है एक मोटा सूत आता है, धागा आता है, आप उससे बनाएंगे, उससे भी बाती मोटी बन जाती है। लेकिन ये जो कच्चा सूत होता है बहुत ही ज़्यादा महीन होता है, तो इससे बहुत ही आसानी से पतली बाती बनती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितनी पतली बाती बनी है। तो इस तरह से हमको लपेट लेना है और ये देखिए फटाफट बन जाएगी। 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, और आप
365 बत्ती का आप दिया जला सकते हैं। एक बहुत ही चमत्कारी दिया होता है। और अगर आपने साल भर दिया नहीं जलाया है, छूट गया है, या आप इसको किसी कारणवश आप दिया कार्तिक मास में नहीं जला पाए, आप ये जो 5 दिन थे उसमें भी नहीं जला पाए, तो आप ये दिया ज़रूर जलाएं। इस तरह से बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मेहनत में बन जाता है। और ये हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाना है। आप किसी जलाशय के पास, किसी नदी में, या आप गंगा जी के किनारे अगर आप जला पाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये मैंने 3 बैचेस बना लिए थे, जो है पहला बैच जो है वो 100 का है, दूसरा 100 का है, और तीसरा जो है 165 का बैच है। इन तीनों बातियों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो काउंटिंग थोड़ी सी करनी है। ये मैंने नारियल लिया है, आप देख सकते हैं नारियल का दिया है, और इस दिन नारियल में दीपदान, ये जो 365 बाती है वो नारियल से आप दीपक, जो नारियल है आप या कच्चा नारियल भी ले सकते हैं या सूखा हुआ नारियल ले सकते हैं, इस तरह से बीच से उसको कट कर लेंगे, दिए के आकार का हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बाती जलाएंगे तो हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, और जो पूरे साल भर के बराबर दिया जलाने का हमें पुण्य मिलता है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो नारियल का दिया है ये साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है, साउथ इंडिया में इसकी बहुत ही मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अगर हम नारियल में दिया जलाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा तरीका मैं बताऊँगी, ये दूसरा तरीका है कॉटन रुई लेंगे और इससे हम इस तरह से पतला पतला लंबा खींचते जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत से आप पहली बार भी नहीं बना पाएंगे। हल्के हल्के हाथों से खींच खींच के इस तरह से लंबे लंबे सूत बना लेने हैं, उसके बाद हम उसी तरह से लपेट कर बातियाँ बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका है, पहले ऐसे ही बाती बनाते थे लेकिन इस ट्रेडिशनल तरीके में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए इस तरह से हम 10-10 का बैच बना लेंगे। अब मैं दूसरा तरीका जो है थोड़ा सा टफ होता है, तो आप पहला तरीका अपना सकते हैं। ये देखिए नारियल के नारियल के जो हमारे मैंने दिया लिया है उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी डालते समय याद रखिएगा कि थोड़ा सा घी गर्म करके डालेंगे, हल्का सा गुनगुना करके घी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी का सीज़न है, तो घी गर्म करके डालेंगे तो जो पूरी बाती है वो घी सोख लेगी और आपका दिया बहुत ही आसानी से जल जाएगा। जहाँ पर भी दिया जलाना है, देखिए जैसे मैंने बताया, अगर आप जलाशय के या नदी या गंगा जी में या यमुना जी में आप जलाते हैं दिया, वहाँ बाहर उनके बाहर जलाते हैं या वहाँ दीपदान करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में रहते हैं बड़े बड़े शहरों में जहाँ आसपास नदियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पे आप क्या है, आप घर में अगर तुलसी माँ को स्थापित किया, आपने तुलसी माँ है, तो आप वहाँ पे दिया जला सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से रंगोली बना लेंगे, मैंने आटे की रंगोली बनाई है, दीपक का थोड़ा सा पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और वहाँ पर इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। उसके साथ आप 15 दिए और जला दें, इसके साथ आप 15 दिए और जला दें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो आप 15 दिए अपने घर में को भी रोशन करिए, अपने घर में जगह जगह आप दीपक रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विदाई भी की जाती है, तो उनका साज श्रृंगार किया जाता है, उसी तरह उनको श्रृंगार का सामान, चुनरी और ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान ब्रह्म मुहूर्त के पहले, सूर्योदय से पहले और या सायंकाल में आप कर सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखेंगे कि दीपदान कब करना है, सायंकाल कर सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।